आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। गोपाल यादव जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 300 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री भानु प्रकाश चंद्रा सहित 300 सदस्यों और पदाधिकारियों ने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल यादव जी के नेतृत्व में आम आदमी प्रवेश किया। आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर गोपाल यादव ने कहा कि मैं केजरीवाल जी की दिल्ली मॉडल और पंजाब सरकार के कार्यों से खुश होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे ईमानदार देशभक्त पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं जिनकी ख्याति अब देश दुनिया में फैल रही है। मेरे साथ जनता कांग्रेस के लगभग 13,000 सदस्य और पदाधिकारी हैं। वे सभी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कांग्रेस के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी, उनके नेतृत्व में 300 कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे प्रदेश भर से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके साथ साथ उनके बनाए हुए जो 16,500 जो मेंबर हैं वो सभी से हम संपर्क कर रहे हैं, वो सभी लोग हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमने 300 कार्यकर्ताओं को आज सामने पत्रकारों के सामने यहाँ पर आज हमने ज्वाइन कराया है और उनको पार्टी में शामिल किया है। लक्ष्य क्या है? आम आदमी पार्टी जनता कांग्रेस जोगी के कमजोर कड़ी को खोज रही है? नहीं, हम जो अच्छे लोग हैं उनको पार्टी में शामिल करना चाहते हैं और हम किसी की कमजोर कड़ी नहीं खोज रहे हैं। जोगी कांग्रेस वैसे भी छत्तीसगढ़ से अब समाप्त हो चुकी है। आपका परिचय? भानु प्रकाश चंद्रा, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। जब तक सत्ता हासिल नहीं होगी तब तक आप ये बुनियादी सुविधाएं जो हम चाह रहे हैं कि लोगों को मिले, छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले, और जो छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ जो की जनता अभी तक वंचित है तो वो सब मूलभूत समस्याएं सुविधाएं उनको मिले, उसके लिए तो सत्ता हासिल करना आवश्यक है। और इसीलिए 2012 में ये निर्णय लिया गया था। बेसिकली ये एक आंदोलन से शुरू हुई पार्टी है और उस निर्णय लिया गया कि जब तक हम पार्टी की शक्ल में नहीं आएंगे, लोगों के सामने राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमें सुविधाएं नहीं दे सकते। और जिस दिन हम आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है उस दिन से अनवरत रूप से लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के मामलों में काम कर रही है और आगे बढ़ती चली आ रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम फ्री राशन लोगों को घर में पहुँचा कर दे रहे हैं। आपको जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो या इस तरह की सुविधाएं, ये भी हम लोगों को डोर स्टेप पे दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए सत्ता हासिल करना बहुत आवश्यक है। एक एनजीओ की तरह काम करके तो आप ये सब सुविधाएं लोगों को नहीं पहुंचा सकते। जी, आपका परिचय? मैं सलीम गाजी हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ बिलासपुर जिले का। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।